हे गाइस, अगर आप अपना जो फ्री फायर गेम हाइड करना चाहते हैं अपने कॉल डायलर ऐप से तो ये वीडियो आपके लिए है। जहां पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो अपने कॉल डायलर ऐप में फ्री फायर गेम को हाइड कर सकते हैं और अपने कॉल डायलर ऐप से उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। साथ में गाइस फ्री फायर ही नहीं, आप जो अपने फ़ोन के किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं, चाहे वो फ्री फायर हो, पबजी हो या कोई भी इंस्टॉल्ड ऐप हो आपके फ़ोन में, उन सबको हाइड कर सकते हैं और उसको जो है अपने कॉल डायलर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, उनको जो खेल पाएंगे, यानी आप जो खुद ही एक्सेस कर सकते हैं और आपके अलावा जो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो तो गाइस अगर आप अगर देख सकते हैं, ये है मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, ये Realme 7 है मेरे पास। तो इसमें जो हो जाता है, और आपके पास जो भी फ़ोन हो तो उसमें भी जो है चेक कर सकते हैं हो जाता है। तो मेरे में तो हो जाता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो कैसे जो है इसको हाइड कर सकते हैं अपने फ्री फायर गेम को या फिर किसी भी ऐप को। तो यहाँ पे जो आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग ओपन कर लेनी है, जैसी सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आ जाएगा, जहाँ पे नीचे स्लाइड डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी का, तो आपको जो उस वाले ऑप्शन पे जो क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है प्राइवेसी के सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जहाँ पे आपका ऐप लॉक, हिडन ऐप, प्राइवेसी सेव। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड ऐप्स का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा, जिसके आपके जो आपके फ़ोन में जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो सारे यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्री फायर गेम है उसको मैं ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है इसको राइट कर देना है, और आप जो सर्च भी कर सकते हैं, आपका जो ऐप नहीं मिल रहा तो आप इस सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जो फ्री फायर पर मैं इसको जो है ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक सामने जो एक सेटिंग का ऑप्शन जो खुलकर आ जाएगा उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो एक पासवर्ड एंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड सेट कर देता हूँ जो मैं इसमें रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मतलब रिकवरी के लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आपको जो अपना कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जो उसका आंसर जो टाइप कर देना है। उसके बाद जो राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और दोबारा यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है कि आप जो अपने डायलर पैड में क्या कोड जो है डालना चाहते हैं। जो आप यहाँ पे कोड सेट करेंगे वही आपको जो अपने डायलर जो आपका कॉल डायलर उसमें जो डालना पड़ेगा और आप जो एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है मतलब हैश करके आप जो 0 कर सकते हैं या फिर जो भी आप कोड डालना चाहते हैं वो जो डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने हैज आपका कोड बीच में फिर से हैज, उसके बाद जो राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने पोपो खुलते आएंगे, उसके बाद जो डन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे से गायब हो चुका है, यहाँ पे हमारे सामने जो फ्री फायर जो नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि आप जो इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरा जो फ़ोन का जो कॉल डायलर ऐप है, तो ये जो मतलब फ़ोन का ही है, मैंने कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो इंस्टॉल नहीं करा है। तो ये इसमें जो मैं चलिए सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या डाला था, Hedge 2003 Hedge। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्री फायर का ऐप जो हाइड हो चुका है और यहाँ पे हम जो उसे एक्सेस कर पा रहे हैं अपने कॉल डायलर के थ्रू। तो गाइस यार, इसमें जो आप और भी सारे ऐप जो मतलब हाइड कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, पबजी हुआ या आपके फ़ोन में जो भी इंस्टॉल हो उसको भी इस तरीके से हाइड कर सकते हैं और इसमें जो है मतलब एक्सेस कर सकते हैं अपने कॉल डायलर के थ्रू। ये स्क्रीन पे जो कहीं भी जो हमें शो नहीं हो रहा है ऐप, कहीं भी हमें ये देखने को जो नहीं मिल रहा तो है। गाइस यार, ये थी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।